नमस्कार, आप देख रहे दर्श न्यूज, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। राजधानी पटना में इन दिनों ट्रैफिक रूल्स कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। जी हां, लोगों के द्वारा अगर थोड़ी सी भी कोताही बरती गई तो उनका ई चालान काट दिया जाता है। इसके बाद उनसे भारी भरकम चालान वसूले जाते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार कल जेपी गंगा पथ पहुंचे थे, जहां का वीडियो उनका इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। जी हां, इस वीडियो में साफ तौर पे ये चीज को देखा जा रहा है, जिसके बाद से अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चालान काटा जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि लोगों से इन दिनों भारी भरकम चालान वसूला जा रहा है। कभी भी अगर उनके द्वारा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसे लेकर उन्हें ई चालान भरना पड़ रहा है। जिसके बाद अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीट बेल्ट नहीं लगाने को लेकर चालान कब काटा जाएगा। हालांकि हम आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें कि बिहार के जिलों में इन दिनों मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण कई नदियां उफान पर आ गई है। गंगा, गंडक, कोसी जितने भी नदियां हैं वे अपने लाल निशान या फिर जो खतरे के निशान है उससे ऊपर बह रही है। इस बीच राजधानी पटना में भी गंगा नदी में उफान देखा जा रहा है। जी हां, गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जेपी गंगा पथ पर गंगा नदी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान आपको हम ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लेने के बाद पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को कई तरह के निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ तौर पे अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी क्षेत्र है उस पर कड़ी नजर बनाए रखें। इसके साथ ही बाढ़ की आशंका को लेकर जो भी है हर कोई अलर्ट मोड पर है। हम आपको ये भी बता दें कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि बात करें सुपौल जिले की तो वहां कोसी नदी लगातार उफान पर है और जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है। वे किसी ऊंचे जगह पर शरण ले रहे हैं या फिर अपने परिजनों के घर पर जाकर शरण ले रहे हैं। हालांकि इन तमाम गतिविधियों के बीच प्रशासन की तरफ से पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एरियल सर्वे भी किया था, जिसके दौरान उन्होंने जो भी बिहार की स्थिति है उसकी जानकारी ली थी और उसके बाद अधिकारियों को आदेश भी दिया था। इसी दौरान कल भी उन्होंने राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ पर पहुंचकर उन्होंने गंगा नदी का निरीक्षण किया और इसके बाद अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। हालांकि इस दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीट बेल्ट नहीं लगाने को लेकर चालान क्यों नहीं काटा गया। तो फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।